नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं स्वाति। अगली खबर है मानव कल्याण को लेकर, जहां भगवती मानव कल्याण संगठन एक अखिल भारतीय रजिस्टर्ड जन कल्याणकारी आध्यात्मिक संगठन है, जिससे देश विदेश के करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। यह संगठन समाज में आपसी भाईचारा बनाने, नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान, पुरुषार्थी एवं परोपकारी समाज का निर्माण करने के साथ ही जाति भेद, छुआछूत, सांप्रदायिकता आदि सामाजिक बुराइयों को दूर करके सभी जाति धर्म संप्रदाय को एक सूत्र में पिरोते हुए समाज के बीच आध्यात्मिक वातावरण निर्मित करके लोगों को मानवता के पथ पर बढ़ाने का कार्य कर रहा है। उपर्युक्त लक्ष्यों की पूर्ति हेतु संगठन समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों में शक्ति चेतना जन जागरण शिविरों एवं यात्राओं का आयोजन करता है। इन आयोजनों में भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम ट्रस्ट के संस्थापक संचालक शक्ति पुत्र महाराज के सानिध्य में लाखों लोग एक साथ सम्मिलित होते हैं। इसी संदर्भ में भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय महासचिव अजय अवस्थी ने बताया कि ऋषियों की पुण्य धरा भारत देश को धर्म आध्यात्म के क्षेत्र में विकासोन्मुख बनाने और मानव जीवन को दिव्य चेतना से परिपूर्ण करने के लिए ऋषि शक्तिपुत्र महाराज के द्वारा 23 जनवरी 1997 को शुभ मुहूर्त में पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम की स्थापना की गई और वहां 15 अप्रैल 1997 से अनंत काल के लिए श्री दुर्गा चालीसा अखंड पाठ प्रारंभ कराया गया तथा विगत 25 वर्षों से यह क्रम दिन रात 24 घंटे अनवरत जारी है। श्री अवस्थी ने कहा, एक व्यवहारी अनुविभागीय क्षेत्र जिला शहडोल मध्य प्रदेश में धर्मधुरी के रूप में स्थापित आध्यात्मिक स्थली पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम पर आस्था के पर्व शारदीय नवरात्र को महत्वपूर्ण तिथियों अष्टमी, नवमी, विजयादशमी को युग परिवर्तनकारी त्रिदिवसीय विशाल शक्ति चेतना जन जागरण शिविर महाशक्ति शंखनाद का आयोजन किया गया है। वर्ष 2022 का यह शिविर अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिद्धाश्रम स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और शक्ति पुत्र महाराज की संकल्पित युग परिवर्तन की यात्रा निरंतर गतिमान है। यह महाशक्ति शंखनाद शिविर इसलिए भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देश में व्याप्त अनीति, अन्याय, जाति भेद, छुआछूत, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार समाप्त हो और सत्य धर्म की पुनर्स्थापना हो सके। इस संकल्प को लेकर सद्गुरुदेव महाराज के सानिध्य में 1 लाख से अधिक धर्म योद्धा इस शिविर में सामूहिक रूप से महाशक्ति शंखनाद करेंगे, जिसका संपूर्ण चराचर जगतशाली बनेगा। निश्चय ही इस शंखनाद की गूंज से एक पवित्र वातावरण निर्मित होकर अनीति, अन्याय, अधर्म पर विराम लगाना प्रारंभ होगा। इन्हीं लक्ष्यों को लेकर परम पूज्य गुरुवर के द्वारा तीन धाराओं भगवती मानव कल्याण संगठन पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी को प्रवाह दिया जा रहा है। आइए सुनाते हैं प्रेस वार्ता में पदाधिकारियों ने मीडिया से क्या कहा। कि पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की स्थापना जो हुए 25 वर्ष हो गए हैं और उसी 25 वर्ष की उपलब्धि में अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ जहाँ पे पिछले 25 वर्ष से चल रहा है लगातार वहाँ पे, तो इसी शारदीय नवरात्र में एक शक्ति चेतना जन जागरण शिविर का 2-3-4 अक्टूबर को है, 3-4-5 अक्टूबर को है, उसी के उपलक्ष्य में एक प्रेस वार्ता रखी गई है। ऐसे तो प्रेस वार्ता हमारे रीवा के जो पदाधिकारी हैं या और भी पदाधिकारी कर सकते थे, लेकिन मेरी इच्छा हुई कि कोरोना काल के पहले आप लोग से मेरी मुलाकात हुई थी एक वार्ता में, तो मेरी पुनः इच्छा हुई कि एक बार मैं पुनः ही कम से कम एक बार सभी लोग साथ मेरा मिलना हो और उनके साथ एक बार रूबरू हूँ। उम्मीद है कि माँ भगवती कृपा से कोरोना काल में सभी मेरे पत्रकार भाई जितने भी हैं, बहनें हैं, सब कुशा कुशल सुरक्षित सब लोग, पूरा परिवार होगा उनका। और दो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य, एक तो अखंड जो शक्ति चेतना जनजागरण शिविर हो रहा है वहाँ पे एक आह्वान है, कोई भी व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में रीवा संभाग में नशे से अगर परेशान है तो एक मौका है वहाँ पे नशा को छोड़ने का, ये एक बहुत बड़ा आह्वान। और 3 दिन का जो कार्यक्रम है तो मैं मीडिया के सभी भाइयों से कहूँगा कि आप लोग कम से कम 1 दिन का समय जरूर निकालें, जो भी व्यवस्था होगी यहाँ से
अन्य यानी कि मैं उसको उपलब्ध कराऊंगा। एक दिन का वहाँ रहकर एक दिन की आरती और एक दिन का उपस्थिति मैं आप लोगों को आह्वान करने यहाँ से आया हूँ और आप लोगों को निवेदन करने आया हूँ। 50,000 गुरुभाई गुरुबहन उपस्थित होंगे और इसके बाद संगठन ने जो कार्य किए हैं पूरे 163 जिलों में संगठन नशा मुक्त को लेकर पूरे देश में अभियान चलाकर निःशुल्क जो कार्य कर रहा है उससे हम लोग 50,000 की संख्या लगभग हम लोग मान के चल रहे हैं कि 50,000 लोग वो दिन नशा संघ का नाश करके नशे का त्याग करेंगे। वो संख्या एक अच्छी खासी संख्या है और उम्मीद है कि वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड जो इंडिया के दोनों रिकॉर्ड्स हैं उसको ब्रेक करेगी। तो पिछला भी लिम्का बुक में हम लोग का 25,000 का दर्ज है संगनाथ का, तो 1,00,000 लोग इस 3, 4, 5 तो शारदीय नवरात्र के कार्यक्रम में उपस्थित होकर महासंगनाद करेंगे। तो अभी तक भगवती मानव कल्याण संगठन ने रीवा सागर संभाग और जबलपुर संभाग में लगभग 2370 जो अवैध शराब होती है उसकी खेपें पकड़ाई हैं। तो इसको लेकर बड़ा दबाव होता है, जो शराब माफिया है उसको लेकर बड़ा दबाव रहता है, सरकार की तरफ से भी बड़ा, पुलिस प्रशासन से भी कभी कभी दबाव आता है, सहयोग भी मिलता है और दबाव भी रहता है। और बहुत सारी FIR हुई हैं, हम लोग उसमें संघर्ष भी कर रहे हैं, उस FIR का सामना भी कर रहे हैं, लेकिन माँ भगवती की कृपा से और आप लोग के सबके सहयोग से निश्चित रूप से उसके दिन आएगा कि हम मध्य प्रदेश को नशा मुक्त प्रदेश घोषित कर पाएंगे।